के इस वीडियो में हम सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है। देखो, आप जानते हो कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, तो इसका इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी गेट्स एंडेड, इसका इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में रहता है वो खत्म हो जाता है, और जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। राइट, और जैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी आता है, यानी प्रॉपर्टी का पोजीशन आता है, प्रॉपर्टी का टाइटल आता है, उसके पास चार राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाते हैं। राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड राइट टू डिस्ट्रॉय। ये सभी राइट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था। राइट, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, यानी हमने जाना कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, तो इसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी में, यानी ट्रांसफरी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी में। लेकिन सपोज ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक कंडीशन इंपोज कर दिया। कंडीशन क्या था? ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी बाय पुटिंग अ कंडीशन दैट यू विल गेट एंजॉयमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी आफ्टर माई डेथ ओनली, कि तुमको जो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट है, जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है, वो तभी मिलेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। यानी आप देखो कि जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास, ट्रांसफरी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है, लेकिन जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जा रहा है, इट गेट्स पोस्टपोन्ड। दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट में सिंपल जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जाता है। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट को। आई होप कि जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज ए ने गिफ्ट दिया 10,000 रुपीज के वैल्यू का, कोई गिफ्ट दिया मिस्टर बी को। ए ने 10,000 रुपीज के वैल्यू का एक गिफ्ट दिया मिस्टर बी को, और एक कंडीशन डाला कि आप इस गिफ्ट को मिस्टर सी को ट्रांसफर करोगे। यानी ये जो 10,000 रुपए के वैल्यू का गिफ्ट है वो सी को ट्रांसफर होगा। कब ट्रांसफर होगा? जब ए एक्सपायर हो जाएगा, यानी आफ्टर डेथ ऑफ ए गिफ्ट विल गेट ट्रांसफर्ड टू सी। नाउ अब देखो, जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो जो सी का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो क्रिएट हो जा रहा है, लेकिन सी को राइट ऑफ एंजॉयमेंट कब मिलेगा? ए के डेथ होने के बाद, यानी राइट ऑफ एंजॉयमेंट गेट्स पोस्टपोन। दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कंडीशन होगा ट्रांसफर के द्वारा, जो भी कंडीशन इंपोज किया जाएगा, इट मस्ट बी सर्टेन एंड स्पेसिफाइड। वो सर्टेन होना चाहिए, क्लियर, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी
होने का 100% चांसेस हो, ऑलराइट। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसे हम सेक्शन 21 में समझेंगे। क्लियर? ओके। अब एक केस है, एक केस आप चाहो देख सकते हो, वेस्टेड इंटरेस्ट का केस है, लक्ष्मण वर्सेस बलदेव, लक्ष्मण वर्सेस बलदेव, BALDEO। इस केस में क्या था, इस केस में ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था बी को, एक कंडीशन इंपोज करते हुए कि बी इस प्रॉपर्टी को तभी एंजॉय कर पाएगा जब ए विल डाई, जब ए की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट का केस था। ऑलराइट, अब देखो, अब जैसे ही जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसफरी का जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है और ट्रांसफरी के पास सभी चार राइट्स आते हैं, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड राइट टू डिस्ट्रॉय। यानी आप कह सकते हो इन वेस्टेड इंटरेस्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी इज क्रिएटेड व्हेन ही गेट्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, चलो अब वेस्टेड इंटरेस्ट के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या तीन एसेंशियल कंडीशंस हैं। क्या क्या है? पहला, डेट ऑफ एंजॉयमेंट मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। वेस्टेड इंटरेस्ट में जो एंजॉयमेंट का डेट है वो ट्रांसफर द्वारा मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा, कंडीशन मस्ट बी सर्टेन, जो कंडीशन है वो सर्टेन होगा। तीसरा क्या है, मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट फॉर प्रेजेंट और इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर एंजॉयमेंट। यानी ये कह रहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इट मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट, इसे हम प्रेजेंट में क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंट एंजॉयमेंट के लिए, या इसे हम प्रेजेंट में क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर एंजॉयमेंट के लिए, यानी फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी के राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट को लोगे। प्रेजेंट एंजॉयमेंट मीन्स व्हाट, इमीडिएटली आप इसे एंजॉय कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो आई होप कि वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बेयर में कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है उसे सिंप्लीफाइड करके यहां पे लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कहता है, देखो, कह रहा है वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय जब एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है इन फेवर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के फेवर में। अब यहां पे तीन बातें कही गई, पहला विदाउट मेंशनिंग द टाइम टू टेक इफेक्ट, यानी हमने इसमें डेट मेंशन नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है कि कब ये प्रभावी होगा। ऑलराइट, यानी कब आप प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को ले सकोगे। दूसरा मेंशनिंग इट इज टू टेक इफेक्ट इमीडिएटली, या मान लो हमने मेंशन कर दिया है कि इमीडिएटली आप राइट ऑफ एंजॉयमेंट के हकदार होंगे और आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकोगे। या तीसरा और ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, एक सर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद ही आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें तीन बातें कहेंगे, एक तो चीज आपको टाइम मेंशन कर देगा किस टाइम के बाद ही आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा, या इमीडिएटली आ सकता है, या किसी सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट के हैपन
होने के बाद आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है विद एग्जांपल्स विद केस लॉज और बेयर प्रोविजंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।